Good morning students. In this video we will discuss some important question based on the properties of complex number. So let's begin. Question is find the values of the followings. The first question is, first one is minus root minus 1 power is 4n plus 7. Okay. So it can be written as this is negative symbol, and we know that root minus 1 equals to iota. So this minus 1 root can be written as iota, and power is 4n plus 7. Okay. Now this can be written as iota to the power 4n into iota to the power 7. Okay. Now n is a natural number. Okay. N is a natural number. If n equals to 1, then these terms will be minus iota to the power 4. Okay. Minus iota to the power 4. And since we know that power 4, even power of a negative number is always positive. देखिए यहां पे हमारा पावर 4 है माइनस आयोटा. सो माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस 4 टाइम्स. सो इट बिकम्स माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस एंड प्लस इंटू प्लस प्लस. सो दिस नेगेटिव कैंसिल आउट एंड इट कन्वर्टेड इंटू प्लस. ओके. नाउ दिस इज, दिस कैन बी रिटन एज इक्वल टू आयोटा टू द पावर 4. ओके. एंड वी नो दैट द आयोटा टू द पावर 4 इज 1. ओके. Suppose n equals to 2, okay, then this term converted into iota to the power 2 into 4, 8, okay, 2 into 4, 8, or you can write it equals to minus iota to the power 4 and power n, okay, because power ke upar power hai, so power kya ho jayegi, multiply, so 4 into n, 4n. इंटू आयोटा टू दी पावर 7. सो 7 को हम डिवाइड करेंगे, पावर जो 7 है उसको 4 से. सो 4 बन जा 4, हमारे पास रिमाइंडर रहा 3. सो इट कैन बी रिटन एज आयोटा टू दी पावर 3. ओके. नाउ सिंस वी नो दैट माइनस आयोटा टू दी पावर 4, दैट इज माइनस आयोटा इंटू माइनस आयोटा इंटू माइनस आयोटा इंटू माइनस आयोटा. ओके. सो माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस एंड प्लस इंटू प्लस प्लस. सो ये नेगेटिव तो हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हमारे पास होगा इक्वल्स टू आयोटा टू द पावर 4. ओके. एंड वी नो दैट आयोटा टू द पावर 4 इज 1. सो इट कैन बी रिटन एज 1. दिस वैल्यू कैन बी रिटन एज 1 एंड 1 टू द पावर n. एंड आयोटा क्यूब इज इक्वल टू, दैट इज माइनस आयोटा. ओके. आयोटा क्यूब इज इक्वल टू माइनस आयोटा बिकॉज आयोटा क्यूब कैन बी रिटन एज iota square into iota, and iota square is minus 1 into iota, so we get minus iota. Okay, so this can be written as minus iota. Now 1 to the power n is 1, so 1 into minus iota, 1 into minus iota, we get minus iota. So this is the solution of question number first. Now come for the second one. So before I complete this question, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, okay, first understand a very important property of complex number. We already discussed in the previous class or previous video. Let's discuss again that if a series is given which have the conjugate powers of iota. Suppose जैसे मेरे पास कोई भी, मेरे पास जैसे iota कहीं से भी start होती है, suppose 5 से स्टार्ट होती है, तो आयोटा टू द पावर 5, आयोटा टू द पावर 6, आयोटा टू द पावर 7, आयोटा टू द पावर 8, आयोटा टू द पावर 9, आयोटा टू द पावर 10, आयोटा टू द पावर 11, आयोटा टू द पावर 12. सो इस तरीके से, तो अगर कहीं से ये सीरीज कहां से स्टार्ट हुई है, आयोटा टू द पावर 5 से. सो 5 के बाद कंटिन्यूअस पावर होनी चाहिए 6 7 8. सो कंटिन्यूअस 4 पावर्स का सम जो है वो क्या होगा, 0. ओके. फिर आगे देखिए 9 10 11 12, ये भी कंटिन्यूअस पावर है, सो इसका सम भी क्या होगा, 0. लेकिन इनके बीच में जो है मिड में, वो पॉजिटिव सिंबल होना चाहिए, प्लस 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 प्लस. ठीक है. अगर सब कुछ यही सीरीज हमारी आयोटा टू द पावर 6 से स्टार्ट होती, आयोटा टू द पावर 6 7, ओके, आयोटा टू द पावर 8,
आयोटा टू द पावर 9, आयोटा टू द पावर 10। सो यहां पे इन फोर टर्म्स का सम क्या हो जाता है, 0 प्लस आयोटा टू द पावर 10 दैट इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर। सो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। सो इन दिस वे अगर हमारे पास कंटिन्यू, देखिए कंटिन्यूअस अगर पावर्स हैं, जैसे आयोटा पावर 5, आयोटा 6, आयोटा 7, ये कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है, हो सकता है आयोटा टू द पावर 31 से स्टार्ट होता। सो 31, 32, आयोटा 33, आयोटा टू द पावर 34, इन चारों का सम क्या हो जाता, 0 प्लस इसके आगे अगर टर्म्स है तो अगर कंटिन्यूस फोर टर्म्स है तो उनका सम भी क्या होगा, 0। ओके, सो ये तो था हमारे पास अगर कंटिन्यूस टर्म्स है। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास कंटिन्यूस टर्म ना होके, ओके, कंटिन्यूस टर्म्स ना होके अगर अल्टरनेटिव टर्म्स हैं, सपोज आयोटा टू द पावर 3, फिर उसके बाद 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, ओके, फिर 13, इस तरीके से, ये तो इवन पावर्स हैं, और हो सकता है हमारे पास ओड पावर हो, 2, 4, 6, 8, 10 कहीं से भी स्टार्ट हो सकती है, हो सक, जरूरी नहीं ये कंपल्स नहीं है। सपोज ये हमारे पास 16 से स्टार्ट होती है, 18, आयोटा द पावर 20, आयोटा द पावर 22, लाइक दिस, या हमारे पास ओड जो है वो सपोज करो आयोटा टू द पावर यू कैन से 31, आयोटा टू द पावर 33, आयोटा 35, आयोटा टू द पावर 37, आयोटा द पावर 39, इस तरीके से। सो अगर हमारे पास कंटिन्यूअस ओड पावर्स हैं, जैसे 3, 5, 7, 9, 11, 13, 31, 33, 35, 37, 39, या इवन पावर से 2, 4, 6, 8, 10 या 16, 18, 20, 22, बट इवन और ओड जो कंटिन्यूअस होनी चाहिए। सो दो कंजुगेटिव टर्म्स हैं, उनका सम जो है वो जीरो होगा, मींस दो टर्म्स का, देखिए अगर हमारे पास कंटिन्यूअस होती 4, 5, 6, 7, 8 लाइक दिस, सो उनमें से तो कंटिन्यूअस फोर पावर का सम जो है वो जीरो होगा। जैसे यहां ओड एंड इवन बोथ आर इन द सेम सीक्वेंस, सो यहां पे 4, 5, 6, 7 कंटिन्यूअस फोर टर्म्स का सम जो है वो जीरो होगा। सो यहां पे ये जीरो और आयोटा टू द पावर 4 की वैल्यू 1, सो इसकी वैल्यू आ जाती है 0 + 1 = 1। लेकिन हमारे पास इन दिस क्वेश्चन हमारे पास अल्टरनेटिव वे में ओड और इवन है, सो अगर ओड टर्म्स है या सिर्फ और सिर्फ इवन टर्म्स है तो कंटिन्यूअस टर्म्स का सम क्या होगा, 0, 3 and 5 इसका 0, 7 and 9 इसका 0, 11 and 13 इसका 0। So, अगर मेरे पास यहां तक वैल्यू है मींस इसकी वैल्यू क्या होगी, 0। ओके, सपोज यहां पे मेरे पास इसमें एक पावर और होती आयोटा टू द पावर 15, सो यहां मेरे पास ये 0 + 0 + 0 एंड जो आयोटा टू द पावर 15 की वैल्यू होती, सो 15 को डिवाइड करते हैं हम किससे, 4 से, सो 4, 3 = 12 हमारे पास क्या रहा, 3। सो दिस इज इक्वल टू आयोटा टू द क्यूब एंड आयोटा की पावर क्यूब इक्वल्स टू माइनस आयोटा। सो इस टर्म का वैल्यू क्या होती, माइनस आयोटा। सपोज हमारे पास ये है, सो देखिए इन दो टर्म्स का 0, इन दो टर्म्स का 0, क्या रहा आयोटा द पावर 39, सो 39 को हम डिवाइड करेंगे किससे, 4 से, सो 4, 9 = 36 हमारे पास 3 रहा, सो इक्वल टू आयोटा द पावर 3 एंड आयोटा द पावर क्यूब इक्वल्स टू माइनस आयोटा। ओके, सो इसका सम माइनस आयोटा। और सपोज ये अगर हमारे पास यहां तक ही होती, ये जो सिक्वेंस है यहां होती, सो दो कंटिन्यूस का 0, इन दो कंटिन्यूस का 0, सो इट इक्वल्स टू 0। नाउ कम टू दिस वन, यहां भी हमारे पास दो इवन कंटिन्यूस हैं, 2, 4, सो ये 0, 6, 8, 0, सो आयोटा टू द पावर 10, सो 10 को हम डिवाइड करेंगे किससे, 4 से, सो 4, 2 = 8 हमारे पास रहा 2, सो दिस इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर, जो रिमाइंडर रहे उसके इक्वल होता है, यहां रिमाइंडर हमारा 2 है, सो आयोटा स्क्वायर एंड आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1। ओके, अगर हम यहां बात करें ये 0, ओके, ये हमारे पास 0, ओके, नाउ दिस इज इक्वल्स टू 0। ओके, ये तो था हमारे पास अगर हमारे पास न्यूमिनेटर में पावर्स हो। ओके, अब हम बात करते हैं हमारे पास डेनोमिनेटर में अगर पावर्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 1/iota^27, 1/iota^28, 1/iota^29, 1/iota^30, 1/iota^31, 1/iota^32। अगर हमारे पास इस तरीके से कंटिन्यूअस टर्म्स है, चाहे वो टर्म्स स्टार्ट कहां से भी हो, इन दिस क्वेश्चन द टर्म्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम 27, आयोटा टू द पावर 27, सो इन दिस फॉर्म, ये जो फॉर्म है इसमें भी फोर कंटिन्यूअस टर्म्स का सम क्या होगा, 0 होगा। ओके, और जो हमारा दो इसके बाद जो रिजल्ट्स है वो हम देखेंगे क्या होगा। ठीक है, हमारे पास अगर इस तरीके से है, सो वन मोर थिंग, अल्टरनेट वे में
एक के बाद अगली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, सो ये टर्म इससे कैंसिल आउट, ये टर्म इससे कैंसिल आउट, जब चारों टर्म्स कैंसिल हो गई सो हमारे पास वैल्यू क्या रही, जीरो। ओके, अगर यहां हमारे पास ये दो टर्म्स हैं सो इनको हम सोल्व करेंगे, जो वैल्यू आएगी वो रिजल्ट हो जाएगा। बट सपोज यहाँ पे आयोटा टू द पावर 33 और होता, सो ये टर्म्स इससे कैंसिल हो जाती और हमारा जो रिजल्ट होता वो सिर्फ किस टर्म्स के कारण होता, 1 अपॉन आयोटा टू द पावर 32। इसका जो भी रिजल्ट होगा, जो वैल्यू होगी, उसके कारण जो रिजल्ट होगा वो हमारा आंसर होगा। सो इसी क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं, देखते हैं। सो लेट्स ट्राई, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आयोटा टू द पावर 27, सो 27 को डिवाइड करेंगे 4 से, सो 4 6 24, हमारे पास रिमाइंडर रहा 3। ओके, सो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन आयोटा क्यूब प्लस 28 को डिवाइड किया, सो हमारे पास 28 को डिवाइड करेंगे किससे, 4 से, सो 4 7 28, हमारे पास रिमाइंडर 0, सो 1 अपॉन आयोटा टू द पावर 0 प्लस यहां 29 को डिवाइड करेंगे सो हमारे पास रिमाइंडर रहेगा 1, 30 को डिवाइड करेंगे रिमाइंडर रहेगा 2, इसको डिवाइड करेंगे 31 को तो रिमाइंडर 3, इसको डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 4, सॉरी रिमाइंडर 0, सो आयोटा टू द पावर 0 और यहां फिर अगेन डिवाइड करेंगे देन रिमाइंडर 1। नाउ सिंस आयोटा क्यूब इक्वल्स टू माइनस आयोटा, सो इट कैन बी रिटन एज 1 अपॉन माइनस आयोटा। Now, 1 upon iota to the power 0 is equal to 1 plus 1 upon iota, okay, plus 1 upon iota square, so iota square is minus 1, okay, then 1 upon iota cube is minus iota, then this is 1 iota to the power 0 and this is 1 upon iota. Ab dekhiye, 1 upon minus iota and 1 upon iota, same value, ye negative aur ye value humari positive. तो ये और ये वैल्यू कैंसिल आउट। ओके, और दिस इज 1 अपॉन 1 एंड दिस इज माइनस 1 अपॉन 1, देखिए प्लस इनटू माइनस हमारे पास माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, सो ये वैल्यू इससे कैंसिल आउट हो जाएगी। सो देखिए कंटिन्यूअस 4 टर्म्स का सम कितना आया, 0, ये वैल्यू इससे कैंसिल आउट होगी बिकॉज 1 अपॉन आयोटा नेगेटिव एंड 1 अपॉन आयोटा पॉजिटिव, सेम वैल्यू विद अपोजिट साइन, सो ये दोनों कैंसिल हो गई। दिस इज 1 अपॉन 1 इक्वल्स टू 1 एंड दिस इज 1 अपॉन माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस 1, सो प्लस 1 एंड माइनस 1 कैंसिल आउट। सिमिलरली 1 अपॉन माइनस आयोटा एंड 1 अपॉन आयोटा, ये दोनों वैल्यू कैंसिल आउट, सो हमारे पास रिजल्ट क्या रहा, 1 अपॉन 1 इक्वल्स टू 1। नाउ कम फॉर द क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। सो सेकंड क्वेश्चन इज सिग्मा एन इक्वल्स टू 1 to 5 आयोटा टू द पावर 2n, मींस इन दिस क्वेश्चन we have to put n equals to 1, then n equals to 2, n equals to 2, 3, means हमें n की value 1 से start करते हुए 5 तक put करनी है, so if we put n equals to 1, then we get iota 2 into 1, so 2 plus, summation means plus, then iota, and if we put n equals to 2, देखिए n equals to 1, 2 हमें 5 तक put करना है, so पहले n की value 1 put की, so 2 into 1, 2, अब n की वैल्यू 2 पुट करेंगे, सो 2 इंटू 2 4, देन अगेन 3 पुट करेंगे 2 इंटू 3 6, देन 4 पुट करेंगे सो 2 इंटू 4 8, देन 5 पुट करेंगे सो आयोटा टू द पावर 10, सो हमें 5 तक ही पुट करना है, सो ये टर्म्स हुई। अब दीज टर्म्स आर अल्टरनेट पावर्स एंड दीज ऑल पावर्स आर इवन, सो अल्टरनेट इवन पावर्स होता है, सो हमारे पास पावर और उससे नेक्स्ट पावर कैंसिल आउट हो जाती है, means इन दो कंटिन्यूस पावर्स का सम जीरो। देखिए हमेशा आयोटा टू द पावर 4 प्लस इससे अगला इवन नंबर होगा तभी कैंसिल होगी, ऐसा नहीं आयोटा स्क्वायर प्लस यहाँ पे आयोटा 6 है तो भी आप कंटिन्यूस पावर है उनको कैंसिल कर दो, नहीं तब कैंसिल नहीं होगी बिकॉज 2 के बाद डायरेक्ट 6 है, बीच वाला 4 जो इवन नंबर वो कैंसिल मिस है, सो 2 से 4 कैंसिल होगा, 6 से 8 कैंसिल होगा, या 4 से 6 कैंसिल होगा, 6 से 8 कैंसिल होगा, इस तरीके से कंटिन्यूअसली वन पावर्स होंगी वो कैंसिल होंगी, सो 2 एंड 4 कैंसिल, 6 एंड 8 कैंसिल, सो हमारे पास रिजल्ट जो है दैट इज इक्वल टू आयोटा टू द पावर 10, सो यू कैन राइट 0 प्लस 0 प्लस आयोटा स्क्वायर एंड आयोटा स्क्वायर इज माइनस 1, सो इसका रिजल्ट क्या होगा, माइनस 1। ओके, नाउ कम फॉर द नेक्स्ट वन, दैट इज थर्ड, यहां पे थर्ड क्वेश्चन इज समीशन ऑफ
n equals to 1 to 5 and iota to the power 2n plus 1. सेम जो हमने यहां इस क्वेश्चन में किया है सेम वही मेथड अप्लाई करना है. पुट हियर n इक्वल्स टू 1 देन n इक्वल्स टू 2 देन n इक्वल्स टू 3. सो वी गेट आयोटा टू द पावर इफ यू पुट n इक्वल्स टू 1 देन 2 इनटू 1 2 प्लस 1 सो 3 देन आयोटा टू द पावर पुट 2 2 इनटू 2 4 प्लस 1 5 सो पुट 3 सो वी गेट 7. इफ यू पुट n इक्वल्स टू 4 देन वी गेट आयोटा टू द पावर 9 एंड इफ यू पुट n equals to 5, then 5 into 2, 10 plus 1, so we get iota to the power 11. Okay, now wohi hamare paas now in this question there are odd powers, continuous odd powers, so continuous odd power iota to the power 3 cancel ho jayega iota to the power 5 se, means iski value 0 plus ye continuous terms jo hai wo cancel out, so 0 plus hamare paas result jo iota to the power 11, so 11 ko hum divide karenge kisse 4 से, so then we get remainder 3, so it equals to iota to the power 3, because 11 को हम divide करेंगे 4 से, then 4 to the 8, and remainder is 3, so equals to iota to the cube, and this is 0, and iota cube is minus iota, okay, so इसकी value हमारे पास क्या होगी, minus iota. Now come for the question number 4, that is, n equals to 1 to 5, put summation of n equals to 1 to 5 iota to the power n. So put n equals to 1, then we get iota to the power 1. Then put n equals to 2, so iota square. Summation means plus. So plus iota cube, iota 4, plus iota 5. Because put n equals to 5, so iota to the power 5. अब देखिए हमारे पास continuous continuous powers हैं. So continuous 4 powers का sum क्या होगा 0. Means ये power इससे cancel out, ये इससे cancel out. Okay. और हमारे पास रिजल्ट क्या रहेगा iota to the power 5 that is ये हमारे पास 4 टर्म्स का सम 0 plus iota to the power 5 that is equal to iota means इसका रिजल्ट जो है that is equals to iota. Okay, now come for the question number 6 that is question number 6 is summation of okay 6 is summation of n equals to 1 to 5 1 upon iota to the power 2n. So put n equals to 1, then we get iota to the power 2 plus summation means plus then upon 1 upon iota. Put n equals to 2 because we have to put n equals to 1 to 5. हमें यहाँ n की value 1 to 5 1 से लेके 5 तक put करनी है. So n की value 1 put की, then we get iota square. अगर हम n की value 2 put करें, then we get iota to the power 4, then iota to the power 6, then iota to the power 8. And then iota to the power 10. Okay, ये हमारे पास odd powers हैं, even powers हैं, iota square, iota 4, iota 6 denominator में हैं. So यहाँ भी हमारे पास ये जो term है, इसे next term से cancel out हो जाएगी, क्योंकि 2 cancel होगा 4 से, 4 cancel होगा 6 से, 6 cancel होगा 8 से. Similarly ये हमारे पास cancel हो जाएंगी. Okay, so ये हमारे पास 0 plus ये हमारे पास 0 and 1 upon iota power 10 that is equals to iota square. And ये हमारे पास 0 and 1 upon iota square is minus 1, iota square is minus 1, so 1 upon minus 1 equals to minus 1. Okay, now come for the next, that is question number 7. So 7th part is, question number 7 is summation of n equals to 1 to 5, 1 upon iota to the power 2n plus 1. So put n equals to 1, we get 1 upon iota, n equals to 1, then 2 into 1, 2 plus 1, so 3, then iota to the power 5, 2 into 2, 4, plus 1, 5, then iota to the power 7, then iota to the power 9, and iota to the power 11, because if we put 5, 5 into n equals to 5, then 5 into 2, 10, plus 1, 11, so iota to the power 11. यहाँ हमारे पास odd powers हैं, so ये term जो है, इस term से cancel out, ये term हमारी इस term से cancel out, because देखिए odd numbers, continuous odd numbers हैं, so continuous odd numbers cancel out हो जाएंगे. हमारे पास यहाँ आएगा 1 upon iota to the power 11, that is 1 upon iota cube, and we know that 1 upon iota cube, value of iota cube is minus iota, so अब हम इसको ऊपर नीचे alternate, जो iota और iota से multiply कर देंगे, numerator and denominator, so 1 into iota, we get iota, and upon minus iota square, so iota upon, this is minus iota square is minus 1, so minus into minus plus, so 1, iota upon 1 equals to iota. So this is the solution of question number 7. Now come for the question number 8, that is
क्वेश्चन नंबर एट इज समीशन n इक्वल्स टू 1 टू 5 माइनस आयोटा टू द पावर n. सो इफ यू पुट n इक्वल्स टू 1 हियर सो वी गेट माइनस आयोटा टू द पावर 1 प्लस माइनस आयोटा ऑफ स्क्वायर. ओके पुट n इक्वल्स टू 2 देन माइनस आयोटा क्यूब देन प्लस माइनस आयोटा 4 एंड देन प्लस माइनस आयोटा 5. ओके नाउ put the value minus iota to the power 1 equals to minus iota. Okay. Now, square, देखिए, minus iota into minus iota. This is, so minus into minus. Okay. So, we get here, you can say minus into minus plus and iota into iota, iota square. So, that is plus iota square. यहां हमारे पास minus iota cube. एंड यहां हमारे पास अगेन प्लस आयोटा टू दी पावर 4 और यहां हमारे पास माइनस आयोटा टू दी पावर 5 सोल्व करेंगे. ओके नाउ दिस इज अब यहां हमारे पास कैंसिल नहीं होंगे. देखिए अब कुछ स्टूडेंट्स क्या करेंगे 1 2 3 4 5 कंटिन्यूअस पावर है सो वो क्या करेंगे कंटिन्यूअस 4 पावर का सम जीरो कर देंगे. दैट इज रॉन्ग. व्हाई बिकॉज इनके सिंबल्स में वो पॉजिटिव नहीं है. दिस इज नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव. हाँ अगर ये हमारे पास कंटिन्यूअस पॉजिटिव फॉर्म होता जैसे आयोटा 1 आयोटा स्क्वायर आयोटा 2 आयोटा 4 उस कंडीशन में हमारे पास जो है उस कंडीशन में हमारे पास ये क्या हो जाता जीरो हो जाता. बट यहां पे हमारे पास दिस इज नेगेटिव पॉजिटिव सो यहां पे इस कंडीशन में ये जो है कैंसिल नहीं होगा. सो दिस इज माइनस आयोटा एंड आयोटा स्क्वायर इज माइनस 1 एंड दिस इज माइनस आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा. ओके then plus iota square is 1 and this is minus iota to the power 5 this is minus iota sorry ye hamare paas minus aur iota to the power 5 is iota. Okay so hamare paas value minus iota minus 1 minus minus plus iota. Okay and plus 1 and minus iota. Ab hamare paas minus iota aur plus iota cancel minus 1 and plus 1 cancel aur result hamare paas kya raha minus आयोटा. नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 9 रूट माइनस 3 इंटू रूट माइनस 5. ओके देखिए पहले मैं आपको बताऊं कि मोस्टली स्टूडेंट्स जो है इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं और वो जो स्टूडेंट सोल्व करते हैं वो गलत होता है. ठीक है इसको दो स्टूडेंट इसका सॉल्यूशन करेंगे मोस्टली स्टूडेंट्स तो गलत करते हैं. देखिए कैसे रॉन्ग कैसे होगा बिकॉज स्टूडेंट्स इसमें जो अभी तक हमने आइडेंटिटी अप्लाई की है जो आइडेंटिटी हमने अभी तक स्टडी की है वो अप्लाई करते हैं. जैसे वो किस तरीके से सोल्व करेंगे माइनस 3 इंटू माइनस 5 सो दे कैन बी राइट इट एज माइनस 3 इंटू माइनस 5. ओके सो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव एंड 3 इंटू 5 15. सो स्टूडेंट इसका रूट 15 जो है वो आंसर देते हैं बट दिस आंसर इज रॉन्ग. देखिए रॉन्ग कैसे है क्योंकि अभी तक हमने जो पढ़ा है आज से पहले स्टूडेंट्स ने जो भी क्वेश्चन किया होगा उसमें 9th 10th स्टैंडर्ड में आपने जो भी क्वेश्चन किया है आज से पहले जहां भी आपने रूट ए इंटू रूट बी आइडेंटिटी इक्वल्स टू रूट ए भी अप्लाई की है वहां पे ए और बी नेगेटिव नहीं थे वो हमेशा पॉजिटिव थे. दे आर ऑलवेज पॉजिटिव जैसे रूट 3 इंटू रूट 5 सो 3 इंटू 5 अब हम यहां अप्लाई कर सकते हैं सो दिस इज इक्वल्स टू रूट 15. सो आपने आज से पहले इस टाइप के क्वेश्चन स्टडी किए हैं. ओके यहां पे हमारे पास जो नेगेटिव नंबर है मीन्स माइनस रूट 3 दैट इज नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर इमेजनरी नंबर. सो ये हमारे पास इमेजनरी नंबर है और ये हमारे पास इमेजनरी नंबर है. सो अभी तक आपने इमेजनरी नंबर्स का मल्टीप्लाई रूट का वो सोल्व नहीं किया है. सो देखिए कैसे होगा एक्चुअल में क्वेश्चन सो रूट माइनस 3 कैन बी रिटन एज माइनस 1 इंटू 3 इंटू रूट माइनस 5 कैन बी रिटन एज माइनस 1 इंटू 5 सो इक्वल्स टू दिस कैन बी रिटन एज माइनस 1 इंटू रूट 3 इंटू रूट माइनस 1 इंटू रूट 5. ओके एंड वी नो दैट माइनस 1 का रूट दैट इज इक्वल्स टू आयोटा सो इंटू रूट 3 ओके इंटू
माइनस वन मीन्स आयोटा, माइनस वन का रूट मीन्स आयोटा इंटू रूट फाइव. अब हमारे पास दीज टू नंबर्स आर पॉजिटिव, सो ये हमारे पास ये वाली फॉर्म बन गई है. सो अब ये मल्टीप्लाई हो सकता है. नाउ आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर इंटू थ्री इंटू फाइव. ओके, एंड वी नो दैट आयोटा स्क्वायर इज माइनस वन, सो माइनस वन इंटू रूट फिफ्टीन. सो दिस इज इक्वल्स टू माइनस रूट फिफ्टीन. ओके, माइनस रूट फिफ्टीन. दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, माइनस रूट थ्री इंटू माइनस रूट फाइव इक्वल्स टू माइनस और माइनस पॉजिटिव थ्री इंटू फाइव रूट फिफ्टीन. सो दिस इज रॉन्ग. सो ये ध्यान रखिए, देखिए इस तरीके से अगर नंबर्स रूट में है और नेगेटिव नंबर है सो उस कंडीशन में वो जो है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर से सोल्व होगा. किससे होगा? कॉम्प्लेक्स नंबर से सोल्व होगा. ओके, सो अब आपके पास अगर एक क्वेश्चन आता है, देखिए आपके पास कंपटीशन में अगर एक क्वेश्चन आता है, यू कैन सी दैट क्वेश्चन रूट ए इंटू रूट बी इक्वल्स टू ऑप्शन ए रूट ए बी, बी माइनस ए बी, सी माइनस रूट ए बी एंड डी यू कैन से दैट डी नन ऑफ दिस. ओके, सो अब बात आती है यहां पे, ओके, कि इनका जो है क्या सॉल्यूशन होगा, क्या आंसर होगा. सो यहां पे देखिए हमारे पास रूट ए बी ये सॉल्यूशन भी पॉसिबल है और ये सॉल्यूशन भी पॉसिबल है. बिकॉज अभी जो हमारा क्वेश्चन है वो इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, इसमें जो इंफॉर्मेशन है वो सफिशियंट नहीं है. क्योंकि यहां अगर हम ए और बी को जो है रियल नंबर अज्यूम करें तब तो हमारा आंसर ये होगा, और अगर हम इसको इमेजिनरी नंबर्स की फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर अज्यूम करें सो हमारा आंसर ये होगा. सो साथ में क्वेश्चन के साथ में कुछ इंफॉर्मेशन होगी, वेयर ए एंड बी आर सॉरी वेयर ए एंड बी आर पॉजिटिव और जीरो. ओके, जहां ए और बी जो है या तो पॉजिटिव है, ओके, या जीरो है. सो पॉजिटिव मींस ये पॉजिटिव होगा थ्री फाइव फाइव सेवन. सो उस कंडीशन में यहां नेगेटिव हमारे पास होगा ही नहीं. सो उस कंडीशन में तो इसका सॉल्यूशन जो है आंसर होगा वो ये, अगर क्वेश्चन हमारे पास इस टाइप का है. लेकिन अगर क्वेश्चन हमारा इस टाइप से है वेयर ए एंड बी आर नेगेटिव, ओके, वेयर ए एंड बी आर नेगेटिव, नेगेटिव मींस ए की वैल्यू हो सकता माइनस फाइव है, हो सकता माइनस सेवन है, इस टाइप से. उस कंडीशन में हमारे पास ये जो क्वेश्चन है ये कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन हो गया, और उस कंडीशन में हमारे पास आंसर होगा सी. सो जो इसके साथ में इंफॉर्मेशन जो हमारे पास होगी उसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू दैट हमारा जो है वो सॉल्यूशन होगा. हो सकता है ए भी हो सकता है सी भी हो. सो वो डिपेंड करेगा इसके साथ में जो कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन गिवन है उस पे बेस. ओके, नाउ कम फॉर द क्वेश्चन नंबर 10. सो क्वेश्चन 10 इज दैट 10th इज माइनस रूट 36 प्लस 7 रूट माइनस 16 प्लस 5 रूट माइनस 25. ओके, सो दिस कैन बी रिटन एज माइनस 1 इंटू 36 7 रूट माइनस 1 इंटू 16 5 रूट माइनस 1 इंटू 15 बिकॉज दीज आर इमेजिनरी नंबर्स. सो माइनस 1 इंटू रूट 36 7 माइनस 1 इंटू रूट 16 ओके प्लस 5 माइनस 1 इंटू रूट 25. So this is iota and this is 6, 7 this is iota and this is 4, 5 this is iota and this is 5. So 6 iota plus 7 4s are 28 iota
प्लस 25 आयोटा. ओके सो अब जो है इनको नाउ कम फॉर द नेक्स्ट वन दैट इज क्वेश्चन नंबर 11. हियर 10 इज रियल पार्ट, 2 इज इमेजिनरी पार्ट. ओके बिकॉज 2 इज विद आयोटा, जो 2 है वो हमारा आयोटा के साथ में लिखा हुआ है, इसका मतलब दिस इज इमेजिनरी पार्ट. यहां पे हम बात करें ये भी हमारा इमेजिनरी पार्ट है, ये हमारा रियल पार्ट है. सो एलएचएस में भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और आरएचएस में भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, एंड दीज टू नंबर्स आर इक्वल. ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा इक्वल है किसके, इसके इक्वल में. सो इफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल देन फर्स्ट का जो रियल पार्ट है वो इक्वल होगा सेकेंड के रियल पार्ट के इक्वल, और जो फर्स्ट का कॉम्प्लेक्स पार्ट है सॉरी इमेजिनरी पार्ट है वो इक्वल होगा सेकंड के इमेजिनरी पार्ट के इक्वल. सो यू कैन राइट 2x, देखिए 2 इंटू एक्स 2x, देन 2 इंटू वाई 2y, और यू कैन से 2 इंटू एक्स प्लस वाई, दिस इज रियल पार्ट, ये इक्वल होगा किसके, रियल पार्ट के. सो यू कैन से एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 10 बाई 2 इक्वल्स टू 5. सो दिस इज और एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 5, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो इक्वल होगा इमेजिनरी पार्ट के. सो यू कैन से 2x माइनस 2y इक्वल्स टू, देखिए 2x माइनस 2y, यहां ये इस सिंबल को हम 10 प्लस में कन्वर्ट करेंगे, सो आयोटा इनटू माइनस 2. सो दिस 2x माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 2. सो 2 हम कॉमन ले लें, देन वी कैन से यहां से x माइनस y, 2 कॉमन आके हमारा कैंसिल हो जाएगा, सो माइनस 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2. नाउ सोल्व इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड एंड फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई एज वी डिड इन द प्रीवियस क्लासेस. सच एज हमने ऐसा क्वेश्चन 9th में भी किया है, 10th में भी किया है, 2 इक्वेशंस को सोल्व किया है. देखिए अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड को ऐड कर दूं, सो वाई एंड वाई कैंसिल आउट, सो एक्स प्लस एक्स 2x इक्वल्स टू 5 माइनस 1, सो 4, सो वी गेट एक्स इक्वल्स टू 2. अब एक्स की वैल्यू यहां पुट कर दूंगा.